अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुएब मगल मोटो बाइक वीडियोज़। तो गाइस, आप आज की वीडियो है हमारी GTO 125 कावासाकी GTO 125 का अपना रिव्यू, मुकम्मल रिव्यू आपको दिखाते हैं। ये है कावासाकी GTO 125 और ये है पार्ट अपना 5। आप कह रहे थे पार्ट 5 दिखाएँ, और बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिखाते हैं इसका मुकम्मल रिव्यू। ये पहले आप इसकी वीडियो देखें, फिर आपको एक एक चीज़ आपको इसकी बताते हैं कि अपना ये कौन सी अपना जापनीज़ की हमने डाली है, और कौन सी हमने थाईलैंड की, कौन सी हमने ताइवान की, ठीक है, या कौन सी लोकल। ये अपना फ्रेंड्स अपना 1990 मॉडल है ये, और ये अपना ट्रांसमिशन जो है ये भावलपुर की है, लेकिन हम अभी अपना ये ट्रांसमिशन पंजाब होनी है, पंजाब की लाहौर की हो जाएगी, ठीक है। ये हम लाहौर से अपना कर रहे हैं इसका रिव्यू। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले मीटर इसका, तो फ्रेंड्स इनका मीटर जो है ना इसका ताइवान का ये, ठीक है। और ये आपको बताते हैं कि अपना असम्बली वगैरह जो है इसकी, ये जर्मन है, ये दोबारा रिस्टोर हुई हुई है, ठीक है। और टैंक भी अपना इसका जर्मन है, ये भी अपना पेंट करवाया, जर्मन क्वालिटी का पेंट है ये भी, देखे क्वालिटी इसकी अपना। और आप गाइस अपना कमेंट्स में नहीं बताते आप क्वालिटी कैसी है इसकी, आपको पिछली वीडियो में पार्ट 4 में ही आपको दिखाया था कि आप बताया करें, ताकि आपको हम बताएं इसमें क्या क्या अपना तैयारी में अपना अच्छा लगता है, पेंट कौन सा अच्छा लगता है, ताइवान का ये अपना जापनीज का पेंट जो है, ये हमने जापानी पेंट करवाया इसका। और ये इसके टापे वगैरह हैं, ये इसकी बैक साइड है, ठीक है, ये इसकी फ्रंट साइड है। ये इंडिकेटर जो इसके फ्रेंड्स लोकल हमने लगवाए हैं, इसलिए कि ये डैमेज होते रहते हैं। और ये हेडलाइट है जो इसकी, ये स्टैनली की, ये जर्मन है, मीटर ताइवान का आपको बताया है। शॉक जो है ये भी इसके जर्मन है, लेकिन ये हमने दोबारा पॉलिश करवाया है ये, ठीक है, और रिपेयर वगैरह करवाए हैं इसके। और डिस्क ब्रेक भी इसकी जर्मन है, ये भी हमने अपना दोबारा पेंट वगैरह जो अपना करवाया, जर्मन पेंट वगैरह हुआ है। तो मगराड जो है ये इसके अपना ताइवान के हैं, ये मगराड, ये नए डाले हैं मगराड वगैरह। और LD के हमने रिम डाले हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं ये भी। और तारें जो ये अपना ताइवान की अच्छी वाली हैं, ठीक है। तो मोनोग्राम पर आते हैं इसके, मोनोग्राम भी इसका अच्छे वाला डाला है, लोकल नहीं है, अच्छे वाला, अच्छी क्वालिटी का। तो इंडिकेटर आपको बता दिया लोकल वाले, लेकिन अच्छे वाले हैं, अच्छी क्वालिटी है इनकी। तो आ जाते हैं इसके इंजन की क्वालिटी पर। इंजन हमने ये आपको बताया था पार्ट 3 में कि ये हमने पॉलिश करवाया, ठीक है। और हेड स्टैंडर भी अपना पेंट करवाया, ये जर्मन इंजन है इसका। टापे भी अपना, टैंकी टापे तो इसके जर्मन थे, ये दोबारा पेंट करवाए हैं, ये भी अपना करीबन हाई कापी जर्मन क्वालिटी के हैं। और ये इसका चैन कवर जो है, ये चैन कवर इसका अपना फ्रेंड्स ताइवान का ये, ठीक है। और शौक ये इसके अपने नहीं मिल रहे थे, तो ये होंडे 125 के अपना शौक हैं इसके, ये हमने पेंट वगैरह करवाए हैं इसके। और रिम आपको बताया कि अपना LD के डाले हैं दोनों। तो टायर इसके अपना सर्विस के हैं, आगे वाला भी सर्विस का और पीछे वाला भी सर्विस का है। टायर देखें, ये अपना सर्विस के टायर हैं इसके। सलेंसर पे आते हैं इसके, एग्जॉस्ट पर, एग्जॉस्ट इसका हमने जो है अपना क्रोम करवाया, ये भी इसका सलेंसर जो है ना ये जर्मन है, ठीक है। और ये इसकी जो हब वगैरह है ना, ये हब वगैरह, ये अलहमदिल्ला ये इसकी जर्मन है, जर्मन क्वालिटी है। और ये पॉलिश करवाई है इसकी, हब्बे वगैरह भी पॉलिश करवाई है, मुकम्मल जो है ना अपना अलहमदिल्ला इसके रिस्टोर किया है। हेड स्टैंडर भी आप देख लें इसकी क्वालिटी, और ये अपना रिफ्लेक्टर वगैरह भी, ये अपना GTO के स्टैनले के जर्मन डाले हैं। और डुमची वगैरह इसकी जो है, ये भी जर्मन डाली हैं इसकी।
तो आज का बनाने का मकसद ये था कि आपको ये हमने तैयार किया GTO 125 कावासाकी 1990 मॉडल, इसका मुकम्मल रिव्यू। और ये आपको एक चीज़ रहेगी इसकी, अपना बैकलाइट, ये इसकी ताइवान की डाली है बैकलाइट इसकी हमने, और सीट जो है इसकी ये भी ताइवान की डाली है, ठीक है। तो टेंकी टापे का आपको बताया कि ये हमने जर्मन डाले हैं लेकिन पेंट करवाए हैं इसके। तो मीटर का भी बताया कि आपको ये ताइवान का डाला है। तो जो हैंडल वगैरह ये हमने, ये जर्मन ही था, ये क्रोम करवाया हमने। बाकी आपको ये स्टार्ट करके दिखाते हैं साउंड वगैरह इसका। साउंड आप अपना फ्रेंड्स बताएं कैसा है इसका। बताएं अपना गाइस कि अपना साउंड कैसा है इसका वीडियो बन गई। बहुत अच्छा साउंड अपन तो लगा इसका। आपको इसके इंडिकेटर वगैरह चला के दिखाते हैं मीटर के। ये इसका हेडलाइट का स्विच है, ये जो हेडलाइट चलती है इससे, ये देखें, ये देखें हेडलाइट चल गई है। और ये इसके इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर इशारे वगैरह चल गए हैं, यहाँ से इशारे वगैरह चल गए हैं। तो इसकी फ्यूल गेज भी ये वर्किंग है, लेकिन अभी ये कंप्लीट की है बाइक तो अपना, अभी ना फ्यूल वगैरह नहीं इसका डाला अभी हमने। तो फ्यूल आपको अपना डालेंगे ये, फिर अपना मीटर की गेज वगैरह ने वो भी अपना वर्किंग में है, वो भी अपना आपको दिखाएंगे वीडियो। तो बताएं आप अपना, आपको अगर पसंद आई है तो आप वीडियो कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको बाइक वीडियो कावासाकी GTO 125। ये थी अपना गाइस कावासाकी GTO 125। और ये हमें तकरीबन 2 हफ्ते लग चुके हैं इसको अपना सामान अपना कंप्लीट करते करते, फिटिंग करते करते, इसको आज ये कंप्लीट हुई है। और आज हमने इसको अपना टेस्टिंग के लिए बाहर निकाला, चेक किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इसने, बड़ा मज़ा आया इसका। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसका टेस्टिंग राइड भी। तो अब ये आज का इतना ही काफ़ी, अपना अच्छी लगी वीडियो तो अपना बताएं कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब किया करें, फॉलो किया करें और शेयर किया करें हमारी वीडियो, और न्यू वीडियो आपको आने वाली आपको आसानी मिल सके। तो ये थी आज की वीडियो, फिर अल्लाह हाफिज़।